नमस्कार, मैं महिमा किराडू आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू से। बच्चों, हमारा चैप्टर चला था 12, जिसका क्या नाम है? सुदामा चरित। सुदामा चरित का हमने पहला दोहा पढ़ा था, पहला पद पढ़ लिया था और मैंने बताया नरोत्तम दास जी ने इसको लिखा है। इसके जो कवि है वो है नरोत्तम दास जी और कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में लिखा है। सूरदास जी के बाद में नरोत्तम दास जी का दूसरा नाम आता है। तो अब मैं आपको आगे वाले पद पढ़ाती हूँ कि इसमें क्या है। इसमें एक मैंने बताया था कि कथा का वर्णन है, पद्य के अंदर ऐसा लगता है जैसे कथा का वर्णन है। और किसके बारे में है? श्रीकृष्ण और सुदामा, उनकी मित्रता से संबंधित ये पद्य है। ठीक है, तो आज हम इसका दूसरा दोहा पढ़ते हैं, दूसरा पद पढ़ते हैं। ऐसे बेहाल दिवाइन सो पग कंटक जान लगे कुनी जोए हाय महा तुम पायो सखा तुम आए इतना कितने दिन खोए भाषा बहुत मधुर है। बच्चों इसकी देखो, ऐसे बेहाल दिवाइन सो, बेहाल यानी जिसकी क्षति हो रखी है। कैसी? दिवाइन पैरों की जो उसकी इनकी एरिया है। जब सुदामा जी वहां जाते हैं कहां? द्वारका में। तो द्वारका जाकर के श्री कृष्ण को बताते हैं कि इस प्रकार से एक द्वार पर ब्राह्मण आया हुआ है और उसकी स्थिति ऐसी है कि उसकी जो पैर उसके ऊपर है, ऊपर कुछ पैर नहीं रखा है, दुपट्टा है वो भी फटा हुआ है। एक तीन ही ब्राह्मण आया है। तो जैसे ही वो सुनते हैं, श्री कृष्ण भगवान दौड़ करके द्वार पर जाते हैं और अपने मित्र को बड़े प्रेम से लेकर अपने महल में आते हैं। महल में आकर के वो अपने मित्र के पाँव को धोने के लिए परात रखते हैं और उसमें के पास के अंदर जल रखते हैं। तो अपने मित्र के पैर को देखकर उनकी एड़ियों को जब देखते हैं तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ऐसे बेहाल दिवाइन सो, ऐसी फटी हुई भेड़ तुम्हारे पाँव की एड़ियां है। क्यों? क्योंकि उनके पाँव में जूते चप्पल कुछ नहीं थे। पग कंटक जाल लगे कुनी जोए, तो पहले अपने मित्र के पाँव को साफ किया, फिर क्या किया? पाँव में जितने भी कांटे लगे हुए थे, कंटक जाल, जितने भी कांटे लगे हुए थे उन जाल को निकाल करके फिर ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई कांटा शेष तो नहीं रह गया है मेरे मित्र के पाँव में। फिर हाय महा दुख पायो सखा, अब श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हाय, यहाँ पर उनके अंदर की मनों की व्यथा, मन की व्यथा निकल रही है कि तुमने बहुत कष्ट पाया है मेरे मित्र। तुम आए इतने ना कितने दिन खो, तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? तुमने कितने दिन खो दिए इस प्रकार से, इतने कष्टपूर्ण जीवन से तुमने कितने दिन कमाए हैं, तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? फिर क्या होता है? देखिए सुदामा की दीन दशा। कृष्ण भगवान ने जब अपने मित्र सुदामा की दीन दशा यानी गरीबी की दशा को देखा तो करुणा करके करुणा निधि हुई। इस प्रकार की दीनहीन दशा को देखकर के, अपने मित्र की अवस्था को देखकर के करुणा को करने वाले करुणा निधि, करुणा को करने वाले करुणा के सागर, उनकी आंख से भी अश्रुजल निकलने लग गया। पानी परात को छुयो नहीं, पानी परात को, जो परात में पानी लेकर आए थे पैरों को धोने के लिए अपने मित्र के, उन्होंने उस पानी को हाथ से छुआ तक नहीं, स्पर्श तक नहीं किया उस जल का। और नैनन के जल से पंखुए, उनके कष्ट को देखकर, उनकी दशा को देखकर के उनकी आंखों से इस प्रकार से अश्रुधारा बहने लगी कि उनके मित्र सुदामा के पाँव अपने आप उनकी आंखों के जल से ही धुल गए। फिर क्या हुआ? जब उन्होंने अपने मित्र को अव्यवस्थित रूप से सम्मान देकर के नए वस्त्रों को धारण करवा करके अपने महल में, अपने कक्ष में उनको बिठा करके जब हंसी विनोद की चर्चा शुरू हो गई, तब आपस में बातचीत के दौरान क्या होता है? कछु भाभी हमको दियो। अब सुदामा जी की पत्नी ने कहा, जब आप अपने मित्र के यहाँ पर जा रहे हो तो हमें किसी के यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो क्या करती है, सुदामा जी की पत्नी अपने पड़ोसियों से चावल, एक मुट्ठी भर चावल इकट्ठे करती है और उनको एक पोटली में बांट करके सुदामा जी को दे देती है। लेकिन सुदामा जी को क्या होता है? संकोच होता है कि मैं इतने बड़े राजा को ये पोटली कैसे दूं चावल की। तो वो क्या करते हैं? उन चावलों को अपनी बगल के अंदर छिपा लेते हैं, वो देने का नहीं कर सकते, उन्हें उसमें बहुत संकोच होता है। तब श्री कृष्ण भगवान, चूंकि वो भगवान है, अंतर्यामी है, उन्हें सब चीज को ज्ञान है, तब वो क्या कहते हैं? कछु भाभी हमको दियो, भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है, सो तुम कर
जो प्रवीण यानी कुशल हो, किसमें चोरी की बात छिपाने की बात में तुम आज भी कुशल हो। पोटली काख में चापी रहे तो तुम आज भी इस पोटली को जो भाभी ने मेरे लिए चावल दी है उसको तुम छिपा रहे हो। खोलत नहीं सुधारस भी ने तुम्हारा जो अमृत रस है यानी तुम्हारा जो पसीना है मेहनत मजदूरी का है तो अगर तुम इसको पोटली को नहीं खोलोगे तो वो उससे भीग रही है। फिर क्या होता है, फिर कहते हैं पिछली बाली अजो न तजो तुम आज भी अपने पिछले वाले का इस स्वभाव को त्याग नहीं रहे हो। तेसो ही भाभी के तंदुल की ने जिस प्रकार से संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहते हुए गुरु माता की ने जो चने दिए थे तुमने वो खा लिए और छुपा लिए थे उसी प्रकार से आज भाभी के दिए हुए जो प्रेम पूर्ण की भरे हुए चावल है आज तुम मुझे नहीं दे रहे हो उसको आज भी तुम छिपा रहे हो और आज तुम्हारा स्वभाव भी वैसे का वैसा ही है। तो इस प्रकार से हमारे आज चार दूसरा तीसरा चौथा पद पूर्ण होता है। आगे वाले पद हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।